if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Stand right there. Hi guys, welcome or welcome back to my channel Hughes Glamour. तो कैसे हो आप सब? Last video में मैं आप लोगों के साथ share किया था मेहंदी वाला makeup look. तो अभी मेरी चैनल के ऊपर स्टार्ट हो चुकी है हैशटैग वेडिंग मेकअप सीरीज. मैं सभी वेडिंग में जो रिचुअल्स होती है, जो प्रोग्राम हम लोगों को अटेंड करना पड़ता है, वो सभी मेकअप लुक्स की सीरीज लेके आ रही हूँ. मेहंदी हो गया, आज एंगेजमेंट वाला लुक है. ये लुक मैं एंगेजमेंट के लिए क्रिएट किया है. जी हाँ, तो आगे आप लोगों को बहुत सारा और भी मेकअप लुक देखने को मिलेगा. हल्दी देखने को मिलेगा, वेडिंग डे में मिलेगा, रिसेप्शन डे लुक मिलेगा. तो बहुत सारे लोगों को पता है कि लास्ट में एक वेडिंग अटेंड किया है, वहाँ पे मैं ये जो लुक है, ये जो साड़ी है, मैंने वहाँ पे वो पहना था जो एंगेजमेंट वाला डे था या एंगेजमेंट टाइम था. आप लोगों ने ब्लॉग में ज़रूर देख लिया होगा. तो वहाँ पे मैंने ये लुक क्रिएट नहीं किया है क्योंकि सुबह का टाइम था, बहुत ही सुबह था. सुबह सुबह इतना ज़्यादा मेकअप मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है ऑनेस्टली. एंड मैं नॉर्मल लाइफ में यूजुअली उतना ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ, ऑलवेज सिंपल रहती हूँ. हाँ, जहाँ जहाँ मेकअप की नीड होती है वहाँ तो डेफिनेटली करते हैं. बट मुझे उस टाइम ये लगा कि मैं हमेशा ना जो मेकअप करती हूँ, आई मेकअप हो या कुछ भी हो, आउटफिट के अकॉर्डिंग करती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे ब्लू एंड ये सब कुछ क्रिएट किया है मैं. तो मैंने सोचा कि ऐसा कुछ अगर मैं मेकअप करूँ या कुछ भी न्यूट्रल या कुछ भी मेकअप करूं, तो उसके बाद ही थोड़ा हल्दी के लिए मुझे रेडी होना पड़ रहा था. तो फिर से मेकअप रिमूव करना, फिर से मेकअप करना बहुत ही हेक्टिक हो जाता है. एंड मुझे उतना सुबह सुबह टाइम ही नहीं मिला कि मैं ऐसे रेडी हो जाऊं. तो इसलिए मैंने सिंपली स्किन केयर करके ही साड़ी वेयर कर लिया है. तो अगर आप लोगों के घर में किसी का भी एंगेजमेंट है या आपका खुद का एंगेजमेंट है, तो आप इस लुक को डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हो. बहुत ही इजी है, सिंपल टेक्निक के साथ में इन डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर किया है. आप लोगों को तो वीडियो में पता डेफिनेटली चलेगा. कमेंट डाउन करना कि आप लोगों को ये मेकअप लुक कैसा लगा है. आप ये वेडिंग गेस्ट मेकअप भी मान सकते हो. तो जो लोग मुझे आज पहली बार देख रहे हो, प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना. एंड यहाँ एक छोटू सा बेल आइकन है, उसे ज़रूर हिट कर देना ताकि मैं जब जब भी वीडियो डालूँ आपके पास वो नोटिफिकेशन जा पाए एंड आप वो वीडियो को देख पाओ. एंड अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा भी पसंद आती हूँ, तो आप लोग मुझे सभी सोशल साइट पे फॉलो कर सकते हो. मैं सभी प्रोफाइल की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. तो बहुत ज़्यादा मैंने बकबक कर लिया है, तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके गाइस, सो राइट नाउ आई एम ब्योर फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है. तो यहाँ पे मैं चार्मिस का एंटी एक्ने फेस सीरम से यूज़ कर रही हूँ. फेस सीरम ये बहुत ही हाइड्रेटेड वाला सीरम है. आप देख सकते हो मैं 2-3 ड्रॉप देने से कितना हाइड्रेटेड हो गया है मेरी स्किन. विंटर में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्किन केयर करना होगा. फेस पे ग्लो देना एंड हाइड्रेटेड रहना दोनों बहुत ही डिफरेंट सा चीज़ है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं मॉइस्चराइज़र के लिए पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ. ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. जो अगर ऑयली स्किन वाले हैं वो भी इसे यूज़ करते, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्राइमर के लिए इनसाइड का प्रो मिनिमाइज प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. प्राइमर आपको डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए, आपकी पोर्स मिनिमाइज होता है, मेकअप लंबे समय तक टिका रहता है. तो अंडर आई को कंसील करने के लिए ऑरेंज कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. ये मिस क्लियर का ऑरेंज कंसीलर है. एंड यहाँ पे मैं आज इनसाइड की कलर करेक्टिंग प्राइमर से जो मेरी स्किन टोन है उससे 1-2 शेड डार्कर से अंडर आई पे भी थोड़ा बहुत दे रही थी. एंड माउथ एरिया के जो साइड में थोड़ा बहुत पैचेस होता है, डार्क स्पॉट होता है, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत अप्लाई किया है.
तो ठीक है, तो अच्छे से इसको मैं ब्लेंड कर दूंगी। ब्लेंड आपको बहुत ही लाइट हैंड्स में ब्लेंड करना होता है, बहुत ही ज़्यादा ब्लेंड मत करना, ओवर ब्लेंड मत करना, ताकि आपकी जो टिंट वो आप लोगों ने दिया है वो ही रिमूव हो जाए, ठीक है, तो कोई काम का नहीं रहेगा उसके बाद। तो यहाँ पे मैं फाउंडेशन के लिए स्टेक का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, इंडी शेड 01 सीक्रेट सैंड। तो एक ब्रश की मदद से मैं अच्छे से उसको ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आपके फेस में ब्लेंड करने में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप सेटिंग स्प्रे की मदद से ब्लेंड कर सकते हो। सेटिंग स्प्रे मैंने अप्लाई किया है, उसके बाद ब्लेंड कर रही हूँ। देन यहाँ पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से फिर से एक और बार ब्लेंड करूँ। मैं दोनों तरीके से ही ब्लेंड करती हूँ ताकि मुझे ऐसा फील होता है कि फाउंडेशन एकदम बैठ जाता है स्किन में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ एक कंसीलर की मदद से। ये है मेबलिन का फिफ्थ मी कंसीलर इन दी शेड टेन लाइट। तो उसको भी अच्छे से मैं ब्लेंड कर दूंगी। ब्लेंड 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 इज़ द ओनली की गाइज मेकअप में, अगर आपको अच्छे से ब्लेंड नहीं आता है, ताकि आप कोई भी करो, लाइक बेस मेकअप हो, आई मेकअप हो, अगर आपको अच्छे से ब्लेंड नहीं आता है या अच्छे से आप ब्लेंड नहीं करोगे, टाइम नहीं दोगे, तो आपका मेकअप अच्छा नहीं लगेगा, बेस तो अच्छा नहीं लगेगा, आई मेकअप भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो मेकअप आप करना चाहते हो या सीखना चाहते हो, उससे पहले आपको ब्लेंडिंग में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आप जो भी मेकअप करो वो अच्छा लगेगा एंड अच्छा हो भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ NY बेकी स्टिक कॉन्टोर से इन दी शेड 07 टोस्ट, एंड इसको भी अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। एंड अभी मैं बहुत ही ज़्यादा क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, क्योंकि विंटर है, पाउडर चीज़ें थोड़ा बहुत अवॉइड करो तो ही अच्छा है। तो आज हाइलाइटर भी मैं क्रीम हाइलाइटर यूज़ किया है, ये है इनसाइड का क्रीम हाइलाइटर। पहले सब जहाँ जहाँ मुझे नीड है वहाँ वहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ, उसके बाद अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आप देख सकते हो पैचेस सा हो गया है, जब फिंगर की मदद से मैं ब्लेंड कर दूँगी तो अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आप चाहो तो आप ब्रश की मदद से भी ब्लेंड कर सको, बट अगर क्रीम प्रोडक्ट है तो फिंगर की मदद से ही ब्लेंड करने में अच्छा रहेगा, ठीक है। अब बारी आती है फेस को सेट करने की, एंड लीड में थोड़ा बहुत क्रीजेस आ गया था, इसलिए मैं फिर से ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर दिया, उसके बाद कॉम्पैक्ट की मदद से सेट कर रही हूँ। क्रीज ऐसे ही जब हो जाता है वहीं तब आप सेट मत करना, उसको अच्छे से ब्लेंड करके देन सेट करना। तो यहाँ पे मैं हाइलाइटर के लिए मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ इन दी शेड मोल्डन रोज गोल्ड। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है हाइलाइटर, एंड अभी मैं पूरी जो ब्लश एरिया है ना मेरी, वहाँ पे पूरी फेस में अप्लाई करती हूँ ब्लश एरिया में, ताकि मुझे ऐसा फील होता है कि लाइक हाइलाइटर पूरा लाइक क्या बोलते हैं वो ब्लश भी चमकता है, वो अच्छा लगता है। आप लोग कॉमेंट करना आप लोगों को ये अच्छा लगता है या नहीं। तो आईब्रोज़ को भी मैं फिल इन कर रही हूँ, एंड आज मैं स्विस ब्यूटी का आईब्रो किट यूज़ कर रही हूँ। आईब्रो आप जब भी करो तब भी स्पूली की मदद से पहले कोम कर लो, उसके बाद आईब्रो करो, देन उसके बाद स्पूली की मदद से फिर एक बार कोम कर लेना, ताकि आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ किए हो वो ब्लेंड लगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आज ब्लू काजल यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का। पहले मैं पूरी काजल को लीड पे फैला रही हूँ, ठीक है, ओनली लीड पे फैलाना है, आपको क्रीज कहीं पे भी ब्लेंड नहीं करना है, बस लीड पे रखना है, देन एक फ्लैट ब्रश की मदद से उसको अच्छे से ब्लेंड करना है, बस ब्लेंड करना है, क्रीज पे भी लेके नहीं जाना है, ताकि वो जो क्रीम प्रोडक्ट है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। आप देख सकते हो मैं कैसे कर रही हूँ। देन उसके बाद एक क्या बोलते हैं वो ब्राउन कलर लेके, लाइट ब्राउन या कॉपरिश ब्राउन कुछ भी बोल सकते हो, ब्राउन कलर लेके उसकी क्रीज को बिल्ड कर लूँगी, ताकि कोई भी हार्श लाइन ना लगे। एंड एक क्रीज लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो ना तो आपके आई मेकअप में एक डेप्थ आ जाता है, एक अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने क्रीज ब्लेंड कर लिया है। पहले आउटर वी पे दे रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे इनर कॉर्नर में दे रहे हैं। उसके ऊपर मैं एक येलोइश कलर लेके उसको भी अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि क्योंकि मेरी साड़ी में जो है ना वहाँ पे एक येलो कलर का टिंट था, इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा बहुत मैं भी येलो कलर का टिंट दे दूँ तो दिखने में और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आई मेकअप। तो यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का ये पैलेट ले लिया है, इससे ये ब्लू कलर लेके जहाँ पे मैंने ब्लू कलर का काजल अप्लाई किया है वहाँ पे मैं ये शिमर कलर अप्लाई कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप ये स्टेप को फॉलो भी कर सकते हो, ये स्टेप को स्किप भी कर सकते हो। अगर आप चाहो कि इससे ऊपर आप ग्लिटर भी अप्लाई कर सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट मुझे लगा कि उतना ज़्यादा मैं नहीं
करती हूँ एंड ग्लिटर लुक में आप लोगों के साथ बहुत शेयर किया है, तो मुझे लगा कि ऐसे ही लुक को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वाइट लाइनर यूज़ कर रही हूँ एंड वो जो ब्लू कलर अप्लाई किया था उससे ही मैं स्मज कर रही हूँ। मुझे स्मज लोअर स्मज बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट डाउन करना। एंड लोअर लाइन में मैं जो क्रीज में कलर दिया है उससे ही स्मज कर रही हूँ, एक स्मज सा लुक लगेगा ताकि आप क्रीज का भी आपका कलर रहेगा, नीचे जो कलर आपने दिया वो भी कलर रहेगा। तो इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन पे मैं सिल्वर हाइलाइटर से हाईलाइट कर रही हूँ एंड आई लैश मैंने अप्लाई कर लिया है। एंड ये लिपस्टिक मैं आपको लिंक नहीं दे सकती, ये मैंने लोकल मार्केट से लिया है, तो बहुत ही सुंदर सा कलर है। गाइज रिसेंटली मैं एक चीज़ से ऑब्सेस्ड हूँ, ये है मार्स का मैजिक शिमर, आप देख सकते हो इसमें शीन है कुछ, ये सेटिंग स्प्रे की तरह भी काम कर सकता है। एंड आप अगर जब दोगे इसे स्प्रे करोगे उसके बाद एक अलग सा ग्लो आपके फेस में आ जाएगा। तो या हियर इज माय एब्सोल्यूट फाइनल फिनिश लुक, आप लोग कमेंट डाउन करना आप लोगों को कैसा लगा। ओके गाइस, सो होप करती हूँ आप लोगों को ये मेकअप लुक बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगा एंड थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो या थोड़ा सा भी हेल्प हुआ हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। एंड आप लोगों के लिए ही मैं इस लुक को क्रिएट किया, क्योंकि ये रिक्रिएट बिल्कुल नहीं है, जो लास्ट वाला वीडियो था वो रिक्रिएट हो सकता है बट ये रिक्रिएट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज ये लुक मैंने पहली बार किया है, वहां पे नहीं किया है, आप लोगों को ब्लॉग में दिखाई होगा। तो आप लोग कॉमेंट डाउन करना आप लोगों को ये लुक कैसा लगा है। तो नेक्स्ट लुक के लिए रेडी रहना, नेक्स्ट लुक हल्दी वाला होने वाला है, तो मिलती हूँ मैं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, स्टे होम, बाय।